डीएनए में जब खबर चलती है तो उसका असर होता है, और जब डीएनए में कोई खुलासा होता है तो तुरंत एक्शन होता है। कल हमने आपको नकली दवा माफिया पर ऑपरेशन डी दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन डी में जैसे ही नकली दवाओं के काले कारोबार का खुलासा डीएनए में चला, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ी गई नकली दवाओं की फैक्ट्री पर रेड डालने पहुंची। लेकिन जी न्यूज पर खबर चलते ही नकली दवाओं का सौदागर बलराम सिंह फैक्ट्री पर ताला लगाकर फरार हो गया। लेकिन फरार होने से पहले अपने काले कारोबार के सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश करके गया। नकली दवा की फैक्ट्री पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां बड़ी मात्रा में जली हुई नकली दवाइयां मिली। इसके अलावा पानी की एक अंडरग्राउंड टंकी से भी नकली दवाओं का जखीरा मिला है। अब पुलिस की टीम जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर पकड़े गए नकली दवाओं के सौदागर बलराम सिंह की तलाश में जुटी, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम हिमाचल प्रदेश में चल रहे नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। अब आज का प्रेरक विचार, ईमानदारी वो चीज है जिस पर हमारी प्रतिष्ठा निर्भर करती है, और ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। Z News.